कर लेना। चलो आज क्या होता है, आज हम 0.7 एक्सरसाइज करेंगे 0.8 पे। तो एक बार देख लेते हैं ऐसे। दिव्यंत यस सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टैन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू आल्सो 1 होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कॉस एक्स डिवाइड बाय कुछ नहीं होता ये भी 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलेज हैं। एक बारी क्या होता है, एक बारी दिव्यंत यस सर। ये 0 है वही 0 नीचे, ये 0 है वही 0 नीचे, इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइड बाय एक्स आंसर क्या आएगा? साइन 2x बाय एक्स है तो आंसर क्या है? तो ये 0 क्या है, 2x 0 है ना, x टेंड्स टू 0 तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये सेम 0 नीचे है तो आंसर क्या आएगा 1, 2 into 1 दैट इज 2। कोई डाउट है दिव्यंत? नो सर। ठीक है, अगर मैंने लिखा कहीं पे लिपिका यस सर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसका आंसर निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर। 1 माइनस cos 2x होता क्या है? सर लिपिका टू फॉर्मूले कॉस। याद नहीं, फॉर्मूले याद नहीं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिखते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखता हूँ 2 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर, आंसर इज 2 इंटू 1 इज 2। कोई डाउट? 1 2 सर। यस सर। नो सर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है लिमिट एक्सटेंड टू 0 कौन बोलेगा? गर्व बोलेगा। यस सर। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स टेंड्स टू 0। आप एक बार इसको सुनियो, इसका मतलब यही होता है ना, साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 यही होता है ना मतलब? यस सर। बाय 2 बाय 2 ये इंटू 2 इंटू 2, ये बात समझ आ गई क्यों किया ऐसे? यस सर। जो 0 ऊपर था वही 0 नीचे था, तो आंसर इज 2 बाय 4, आंसर इज 1 बाय 2। कोई डाउट? 1 बाय 2। नो सर। चलो अब ये तीनों फॉर्मूले समझ आ गए? यस सर। बच्चे दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे थे, किसका डाउट था? चलो नवीन बच्चे चलो कौन बोलेगा, हिमांशी यस सर। हिमांशी तुम बोलना। क्वेश्चन आता है टैन एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब एक्स टेंड्स टू 0, कोई डाउट है? नो सर। टैन एक्स को क्या लिखते हैं? साइन एक्स कॉस एक्स। क्या बोल रहे बच्चे? चलो साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगर इसका मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, कोई डाउट है? नो सर। मैं कह रहा था सर अभी इतना ही करवाया ना सर मैंने, अभी ज्वाइन कर रही है। बच्चे लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर मुझे लगा सर जीओसी की क्लास है तो आज मैथ्स की नहीं होगी। बच्चे 7:09:15 पे हमेशा क्लास मैथ्स की होती है ना, अभी तक तो कोई टाइम चेंज हुआ है क्या? ओके सर। चलो साइन एक्स कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। हिमांशी ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है,
साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता क्या है? टेन एक्स नीचे कॉस एक्स कैसे आ गया? क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? नीचे कॉस एक्स कैसे आ गया? नीचे बच्चे एलसीएम लेना, नीचे कॉस एक्स कैसे आ गया? नीचे ये बताओ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसके? कॉस एक्स नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो वही तो लिखा है, ठीक है? ओके सर। वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये बात समझ आ गई? यस सर। टेन एक्स बाय एक्स क्या होता है? वन होता है। यस सर। टू साइन एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स बाय टू इंटू फोर। व्हाट इज दिस आंसर? बात समझ आई कि नहीं? यस सर। चलो ये वाली बात क्लियर है बच्चे, माइक बंद कर दो। अब बोलेगा कौन? नीलांश बोलेगा बच्चे? यस सर। चलो नीलांश अगर क्वेश्चन आता है, टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो अब कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से? सर टू साइन एक्स। वन माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सर टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये समझ आ गया मैंने क्यों लिखा ऐसे? यस सर आ गया। बाय फोर इंटू फोर, ये पूरा वन हो गया और ये भी पूरा वन हो गया। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? हरिंदर बोलेगा बच्चे? यस सर। ये बात समझ आ गई क्वेश्चन? जी सर आ गई। इन दोनों का फॉर्मूला बोल क्या लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी। सर टू साइन ए प्लस सी प्लस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू। ये बात समझ आ गई? यस सर। दिस इज इक्विवेलेंट टू टू साइन ए कॉस ए। कोई डाउट है? नो सर। कॉमन क्या आ रहा है? सर टू साइन है। माइनस ले लिया तो ये समझ आ गया माइनस क्यों लिया? यस सर आ गया। ये फॉर्मूला क्या होता है? सर टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये बात समझ आ गई? जी सर। तो व्हाट इज द आंसर? माइनस फोर साइन ए डिवाइड बाय फोर That is minus sign. कोई doubt? Sir, इसमें ये four को multiply और divide क्यों करते हैं? किसमें four को multiply divide? ये देखो बच्चे, sin x by two into sin x by two हुआ, sin square x by two. ठीक है? Yes sir. इस term को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. तो ये zero x by two zero है ना, तो x by two into four. ये पूरा one हुआ ना? यस सर। ये 2 इनटू 2 4 होता है ना, वही 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड डायरेक्टली। ओके सर।
चलो शरद, इसको माइनस साइन ए पे छोड़ देंगे कि फिर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे? नहीं नहीं वो ए टेंड टू कुछ नहीं दे रखा ना, ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा अब एक बार ये देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए डिवाइड बाय एच, एच टेंड्स टू जीरो। क्वेश्चन समझ आ गया गर्व? यस सर। अच्छा गर्व अभी तक इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा आप इसको एक बारी ढंग से समझो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच। यहां तक बता कोई डाउट है तो? नो सर। ए स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए, कोई डाउट है तो बता? नो सर। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर? ए स्क्वायर को अलग मल्टीप्लाई क्यों करा? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर इधर और ताकि कॉमन आ जाए, ठीक है? गर्व इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आया? साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, इसमें से साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? किसमें से? जो ये टर्म बची ना ये वाली, ये सर एच कॉमन आ जाएगा। ये H अलग कर दिया, H से H कट गया ये? यस सर। अब ये बता मेरे को, A स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2 sin C minus D by 2 sin H by 2। यस सर। ये समझ आ गई बात? हाँ या ना? यस सर आ गई। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बाय टू इंटू टू और ये आंसर इज वन। यस सर। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू टू कॉस टू ए डिवाइड बाय टू एच क्यूएल जीरो टू ए इंटू साइन ए प्लस एच साइन, तो ए स्क्वायर कॉस ए प्लस टू ए साइन ए। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज समझ नहीं आई। कौन सी वाली? मल्टीप्लाई डिवाइड वाली सर? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड ये? यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड किया है जो बच्चे, मैंने मैंने फॉर्मूला पहले क्या बोला था? साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज वन, ठीक है? यस सर। अगर यहाँ पे एक्स या टू एक्स है तो नीचे भी टू एक्स होना चाहिए तभी आंसर वन आएगा। यहाँ पे अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर यहाँ पे लिखा साइन एक्स स्क्वायर लिखा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर, तभी आंसर क्या आएगा? वन। ओके सर। तो यहाँ पे एच बाय टू है तो यहाँ पे भी एच बाय टू होना चाहिए, कोई डाउट है? नो सर। अब तू ही बोल दे बच्चे, बोलेगा? ओके सर। अगर यहाँ पे लिखा है एक्स कॉस एक्स प्लस 2x upon tan x plus x 3x cos x limit x tends to 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इसमें कुछ दिख रहा है तेरे को? समझ आ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा या कुछ भी समझ आ रहा हो? नहीं समझ आ रहा तो एक बार सुन ले, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं? x से। तो x से डिवाइड करेंगे, ऊपर cos x बचेगा प्लस 2 बचेगा, नीचे tan x by x बचेगा प्लस 3 cos x बचेगा। यस और नो? यस सर। तो आप लिमिट डाल दो, cos 0 क्या होता है? फॉर्मूला बताया था ना सर? 1 क्या?
वन प्लस टू ओवर वन प्लस थ्री, थ्री बाय फोर आंसर। समझ आ गई बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा एक क्वेश्चन और है। आसना। यस सर। रूट टू माइनस रूट वन प्लस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा रूट के साथ नेगेटिव होता है क्या करते हैं पहला स्टेप? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज। ये बात समझ आ गई? यस सर। ऊपर क्या आएगा? टू माइनस वन प्लस कॉस एक्स आएगा। टू माइनस वन कितना होता है? वन माइनस कॉस एक्स आ गया ऊपर। यस सर। वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन स्क्वायर इनटू एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है आसना? यस सर। ये पूरा वन हो गया। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे अभी है ना शायद शशि सर की क्लास है ना 10 बजे की? यस सर 10 o'clock। अच्छा एक काम करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20-25 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे 60 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। मैंने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो वाले नोट कर लेंगे जो करने। अभी क्वेश्चन नंबर ऐसे करना, आप ट्राई करना थोड़ा जल्दी जल्दी, 1 4 7 10 ऐसे, ठीक है, टिल अप टू लास्ट। सही है? ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। घर हो 12 बजे तक भेज दें? यस सर हो जाएंगे। भेजो क्योंकि पहले 20 मिनट है ना, कर तो एक बारी जल्दी जल्दी, तेरे को जल्दी समझ आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है चलो, थैंक यू बच्चे।